क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। केएल राहुल को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दिए जाएं। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में शुरू होने वाला है पहला वनडे मुकाबला। दोस्तों आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर करते हैं, इस बार विराट कोहली भी कप्तान नहीं है और रोहित शर्मा इंजरी के चलते बाहर चल रहे हैं, जिसके चलते कमाल लाजवाब राहुल को कप्तान बनाया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें दोपहर 2 बजे से शुरू होगा ये पहला वनडे मुकाबला, जहां भारतीय टीम कप्तानी करते हुए नजर आएंगे केएल राहुल। दोस्तों आप सभी को बता दें 19 जनवरी को ये तूफानी मुकाबला शुरू होने वाला है, इसी के लिए केएल राहुल अपनी कप्तानी का रौब दिखाते हुए नजर आए सभी जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों पे। आइए कुछ झलकियां देख लेते हैं केएल राहुल के जो नए कप्तान बने हैं। दोस्तों इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि कैसे कमाल लाजवाब राहुल पूरी टीम को समझा रहे हैं कि वो नए कप्तान हैं और उनको ठीक कोने में ठहर कर सुन रहे हैं विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली को ऐसे देख काफी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो भी अब सामान्य खिलाड़ियों की तरह ठहर कर केएल राहुल की बातों को सुनने लगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, अब एक मामूली बल्लेबाज की हैसियत से विराट कोहली भारतीय टीम में बल्लेबाजी करेंगे, अब ना ही तो वो टेस्ट के कप्तान है, ना वनडे टीम के कप्तान है, ना T20 के कप्तान है। दोस्तों इसी के साथ सीनियर खिलाड़ी शिखर धवन भी मैदान पर नजर आते हैं, तो उनके साथ युवा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ भी बल्लेबाजी करते हुए नेट्स में फील्डिंग करते हुए नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम को पूरी तरह से मेंटोर करने वाले हैं राहुल द्रविड़, जो कि भारतीय टीम के ODI के भी कप्तान है। ऐसे में विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने केएल राहुल की तरफ रुख किया है। दोस्तों राहुल द्रविड़ भी समझाते हुए नजर आए भारतीय टीम को कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को कैसे प्रदर्शन करना है। ऐसे में 19 जनवरी दोपहर 2 बजे से भारतीय टीम भिड़ने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें लाइव प्रसारण आप इस मुकाबले का Disney+ हॉटस्टार और Hotstar 1 और Hotstar 3 पर देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय टीम की यह पहली सीरीज है जहां रोहित शर्मा इंजर्ड है, जिसके चलते ODI सीरीज में एक भी मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो लेकिन विराट कोहली भारतीय टीम में खेलते हुए नजर आएंगे लेकिन वो कप्तान नहीं रहेंगे। ऐसे में भारतीय टीम के लिए काफी चैलेंजिंग होगा साउथ अफ्रीका के लिए, जहां साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर रहे हैं तैंबो बुआमा और भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं केएल राहुल। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं। दोस्तों आ रहा है युवराज सिंह का तूफान। दोस्तों भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह ने मैदान पर आग लगा दी है। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है लेजेंड्स क्रिकेट लीग ओमान में खेली जाने वाली है, जहां महाराजा टीम है भारत की तरफ से, जिसका स्क्वाड लगभग अब से 25 दिन पहले ही अनाउंस किया गया था, जिसमें भारतीय टीम के पुराने या फिर लेजेंड्स खिलाड़ी हम कह सकते हैं सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लेने का फैसला किया था और जो भी इस मुकाबले का पैसा आएगा वो चैरिटी में जाने वाला था। दोस्तों इस टीम के कप्तान यानी कि महाराजा टीम के कप्तान बने हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह की टीम में हरभजन सिंह, मनप्रीत गोनी, नमन ओझा, वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। दोस्तों आप सभी को बता दें इसी के लिए मैदान पर युवराज सिंह ने तहलका मचा दिया है। दोस्तों वो कई दिनों के बाद कप्तानी कर रहे हैं, ऐसे में ओमान की पिचेस युवराज सिंह की बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा कारगर होंगे। जिस हिसाब से युवराज सिंह शैतानी बल्लेबाजी करते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि युवराज सिंह वापस से मैदान पर तूफानी आग लगाएंगे। युवराज सिंह का बल्ला खूब बोलने वाला है लेजेंड्स क्रिकेट लीग में, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें युवराज सिंह की उम्र के ही सभी गेंदबाज होंगे, युवराज सिंह की लीग के सभी फील्डर्स होंगे और युवराज सिंह की टीम के ही सभी बल्लेबाज होंगे। ऐसे में उनके सामने युवराज सिंह की बल्लेबाजी को देखना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, जिसके लिए युवराज सिंह फिटनेस पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी बल्लेबाजी को काफी ज्यादा सुधार रहे हैं। युवराज सिंह ने यह साफ हाल ही में कुछ इंटरव्यू में पहले ही कहा था कि वो वापस से मैदान पर खेलने आना चाहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट कब शुरू होगा ये उन्हें भी नहीं पता था, जिसके लिए वो मैदान पर आकर तूफानी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे और उनका फैंस का मनोरंजन नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने साफ कहा इंटरव्यू में, जिस भी दिन मुझे मौका मिलेगा वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में तूफानी बल्लेबाजी करने का, उस दिन मैं मेरे फैंस को तूफानी बल्लेबाजी कर दिखाऊंगा। ऐसे में युवराज सिंह ये वादा पूरा करने वाले हैं, कब, वो भी 20 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 20 जनवरी को युवराज सिंह हम सभी को वापस से मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और उनका तूफानी बल्लेबाजी का अंदाज हम सभी को कई सालों के बाद वापस से देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह एक और बार 6 गेंदों पर 36 रन लगा सकते हैं या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं और ये वीडियो सही तो दिल से लाइक करें और सीक्रेट खबरें में अच्छा सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद। दोस्तों 2011 के मुख्य विजेता या फिर हम कह सकते हैं भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और भारतीय टीम के सबसे मजबूत पिलर, जिन्होंने भारतीय टीम को 2011 का सबसे फेमस वर्ल्ड कप जीता। इस वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ, 11वां मुकाबला था इस वर्ल्ड कप का, जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। दोस्तों इस मुकाबले में पहली विकेट गिरी वीरेंद्र सहवाग के रूप में, जो ताबड़तोड़ 35 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए ब्रिस्नन की इस गेंद पर, पीछे खड़े प्रयोग अपनी कैच देकर। तो उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ने भी तूफानी अर्धशतक ठोका, वो 51 रन बनाकर बोल्ड हो गए। लेकिन उसके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन ने अपना अर्धशतक बनने के बाद अपने अर्धशतक को शतक में बदल कर रख दिया। दोस्तों इस मुकाबले में 120 रनों की तूफानी पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर एंडरसन की गेंद पर यार्डी को अपना कैच देकर आउट हो गए और भी नंबर 4 पर आए भारतीय टीम के।
सिक्सर की युवराज सिंह। 200 इस चौके के साथ युवराज सिंह ने मैदान पर अपना खाता खोला, जहां युवराज सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी की। 200 आधे युवराज सिंह ने चौके से अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की। 200 ये तो शुरुआत थी युवराज सिंह की शैतानी बल्लेबाजी की। एक बार जब युवराज सिंह सेट हो जाते हैं तो मैदान पर आग लगा देते हैं। इस मुकाबले में भी यही किया युवराज सिंह ने। शुरुआती बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन मध्य क्रम में युवराज सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत थी भारतीय टीम को, और युवराज सिंह ने वही किया। 200 आधे युवराज सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। युवराज सिंह ने इसी तूफानी चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया। 200 युवराज सिंह इस मुकाबले में 9 चौके लगा चुके थे, 58 रन पर आ चुके थे, लेकिन इस शॉट को खेलकर वो नीचे गड़े फील्डर को कैच दे बैठे। उनकी गेंद बैल ने कैच पकड़ी। ऐसे में युवराज सिंह इस मुकाबले में 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। तो इनके बाद के बल्लेबाजों ने ज्यादा कुछ प्रदर्शन नहीं किया, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 31 रनों की पारी खेली, विराट कोहली 8 रन बनाकर आउट हो गए और जहीर खान 4 रन। ऐसे भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 338 रन लगा दिए थे। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने होते इंग्लैंड की टीम। 200 इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही, जहां के पास एंड्रयू स्टेरस ने 158 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन वो जहीर खान की गेंद पर आउट हो गए। 200 इनके बाद मध्य क्रम में आयन बेल ने भी 70 रनों की तूफानी पारी खेली। 200 इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी करारा जवाब दिया भारतीय टीम को, और मुकाबला अंतिम चरणों पर आ गया था, जहां जीत के लिए इंग्लैंड को 2 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी। जी हां, 200 इंग्लैंड को भारतीय टीम के खिलाफ ये मुकाबला जीतने के लिए 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे मुनाफ पटेल गेंदबाज से। ऐसे में जैसे ही पहली गेंद पटेल ने डाली तो आगे बढ़कर बल्लेबाज ने सामने की तरफ शॉट खेला। 200 ये गेंद जा रही थी सामने फील्डर के पास से 2 बाउंस होकर, लेकिन उतने में इंग्लैंड के तेजतर्रार बल्लेबाजों ने चालाकी दिखाकर 2 रन चुरा लिए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, अब जीत के लिए 1 गेंद पर 2 रनों की दरकार थी। अब सभी की नजरें गेंदबाज के ऊपर थी। जैसे ही गेंदबाज ने ऑफसाइड पर गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने सामने की तरफ ढकेल दिया और 2 रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन फील्डर ने छक्का मार लिया गेंद पर और गेंद पकड़कर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ फेंकी, लेकिन उससे पहले 1 रन ले लिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने और भारतीय टीम ने मुकाबला ड्रॉ कर दिया। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ी काफी खुश नजर आए इस मुकाबले को ड्रॉ करके, क्योंकि 8 विकेट गिर चुके थे, इंग्लैंड के पास कोई बल्लेबाज नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने फाइट बैक दिखाया और तूफान दरगाह से मुकाबले को ड्रॉ किया। दोस्तों क्रिकेट इतिहास का ये एक बेहतरीन मुकाबला है। दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा मैं एक बार जरूर बता चाहे। 200 आ रहा है भारत का शेर वापस मैदान पर। 200 स्वागत कीजिए भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह का। जी हां दोस्तों, युवराज सिंह के फैंस के लिए आ गई है सबसे बड़ी खबर, जहां युवराज सिंह वापस से कदम रखने वाले हैं तूफानी मैदान पर उनके तूफानी बल्ले के साथ। 200 युवराज सिंह के फैंस को यह खबर सुनकर काफी ज्यादा खुशी होगी। 200 आप सभी को बता दें, काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक करने वाले हैं युवराज सिंह वापस से मैदान पर। सिर्फ युवराज सिंह ही नहीं, उनके साथ वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह भी वापस से मैदान पर आने वाले हैं। 200 पुराने शेर वापस से मैदान पर आकर तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं। 200 आप सभी को बता दें, ओमान में होने वाली है लेजेंड्स क्रिकेट लीग, यानी LLC क्रिकेट प्रीमियर लीग, जो कि ओमान में होने वाली है। 200 आप सभी को बता दें, ये लीग में सभी लेजेंड्स हिस्सा लेने वाले हैं, जहां भारत की भी टीमों की। 200 ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जैसी सीरीज नहीं है, ये एक अलग टूर्नामेंट है। ऐसे में 200 आप सभी को सुनकर काफी खुशी होगी। युवराज, हरभजन सिंह और सहवाग के साथ साथ मुनाफ पटेल, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, गोनी, आरबी सिंह, नमन ओझा, बैंगर, दंदारी व मोंगिया भी सीरीज में हिस्सा लेने वाले हैं। 200 सीरीज में भारतीय टीम का नाम है इंडिया महाराजा स्क्वाड। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम का नाम है इंडिया महाराजा, जहां भारतीय टीम इस साल काफी धमाका करने वाली है इस लीग में। 200 आपको जानकर और भी खुशी होगी कि महाराजा टीम के कप्तान बनाए गए हैं युवराज सिंह। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह इस टीम की कप्तानी करेंगे और युवराज सिंह के अंडर सहवाग, इरफान पठान, मुनाफ पटेल, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा, बदानी, बैंगर, दंदारी, वनयान, मोंगिया खेलेंगे। ऐसे में सभी लेजेंड्स खिलाड़ी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज से पहले आने वाले हैं। 200 अगर हम इस सीरीज की शुरुआत की बात करें, तो सीरीज शुरू होने वाली है 20 जनवरी से ओमान में। जी हां दोस्तों, आप सभी सही सुन रहे हैं, 20 जनवरी को वापस हम सभी को हमारे लेजेंड्स खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। 200 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, जहां हमारे भारत के सभी लेजेंड्स एक साथ मिलकर खेलते हैं। 200 ये टूर्नामेंट इतना खास इसीलिए है क्योंकि हमारे सभी तूफानी पुराने खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, उनकी ये टीम बनती है, जिस टीम का नाम होता है इंडिया लेजेंड्स। इस टीम के कप्तान होते हैं खुद सचिन तेंदुलकर और इस टीम के साल वाइस कप्तान होने वाले हैं युवराज सिंह। 200 पिछले साल इंडिया लेजेंड्स की टीम ने तूफानी तरीके से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का टाइटल जीता था और पिछले साल की विजेता रह चुकी है इंडिया लेजेंड्स की टीम। ऐसे में इस साल का रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट 2022 शुरू होने वाला है 5 फरवरी को, जो कि आधा टूर्नामेंट भारत में और आधा टूर्नामेंट UAE में खेला जाएगा, जहां सचिन, सहवाग और युवराज सिंह वापस से फील्ड में नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तारीख मार कर रख लीजिए कैलेंडर में, 5 तारीख से शुरू होगा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का टूर्नामेंट, जहां इंडिया लेजेंड्स की टीम वापस से अपने तूफानी खिलाड़ियों के साथ उतरेगी। इस टीम में सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मुनाफ पटेल, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे लेजेंड्स खिलाड़ी मौजूद हैं। दोस्तों आइए युवराज सिंह के पिछले साल के टूर्नामेंट की कुछ हाईलाइट देख
लेते हैं। दोस्तों पिछले साल की अगर टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस की बात करें युवराज सिंह की तो वो शानदार थी। पिछले साल युवराज सिंह ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में लगभग 150 से भी ज्यादा रन लगाए थे इंडिया लेजेंड्स के साथ। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस मुकाबले में अपना रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते सिर्फ एक कदम दूर रह गए थे, जहां उन्होंने एक ही ओवर में 4 छक्के लगाने का महा रिकॉर्ड बनाया था रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में। ऐसे में इस साल ऐसा लग रहा है कि युवराज सिंह को वो अपना पिछले 150 रन का भी टारगेट जरूर पार करेंगे। दोस्तों पिछला साल इतना अच्छा था युवराज सिंह के लिए, तो इस साल तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस साल वो अपने पुराने पूरे रिकॉर्ड तोड़ देंगे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में। 205 फरवरी 2022 में शुरू होने वाली है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। ऐसे में आधी सीरीज ये भारत में खेली